सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी हमारी सास बहुत गाली देती है, अब क्या करें। हमने कहा सास गाली दे तो हमने उसे एक छोटी सी कागज की पुड़िया दे दी। हमने ये कागज की पुड़िया दी, हमने कहा लो पुड़िया, और जब तुम्हारी सास गाली दे तो ये पुड़िया अपने यहां पर दोनों दाढ़ों के बीच में दबा लेना। हाँ महाराज जी दबा लेना। अब वो घर गई और हमने कहा सास जितनी गाली दे उतने जोर से दबाना। अब वो घर गई और सास गाली दिया देने शुरू की तो उसने पुड़िया यहां दबाई जोर से। सास गाली देती जा वो पुड़िया दबाई दबाई दबाई। सास को लगा, सास भी बड़े आश्चर्य में, भगवान पहली बार बहू ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर सास ने प्रोग्राम शुरू किया, गाली गाली गाली, इसके बाद ये वो। बहू ने फिर जल्दी से पुड़िया दबा ली। दूसरे दिन सास को लगा राम राम, तो शुरू दिन एक घंटा बोली थी, इस बार आधे घंटे में अकेली कब तक भौंह करेगी बता। कुत्ता तब ज्यादा भौंह करता है जब सामने से रिस्पॉन्स मिले, नहीं चुप हो जाता, कहीं कहीं करके चला जाता कुत्ता भी। आप भी जब सामने वाले को जवाब देते हैं तो वो। तीसरे दिन सास ने फिर गाली दी पर 15 मिनट में कार्यक्रम पूरा कर लिया। चौथे दिन तो 2 मिनट ही बोली सास। अब सास को लगा बहू को क्या हो गया, ये तो जवाब नहीं देती। पांचवे दिन सास बहू से जाकर पूछी, अरे बहू अब तुम हमारी बहू नहीं हो, अब तुम हमारी बेटी बन गई हो। ऐसी हमारी बेटी थी, हम गाली देते थे वो कोई जवाब नहीं देती थी, अब हम तुमको बेटी मानेंगी। अब तो बहू दौड़ी दौड़ी आई, गुरुजी गुरुजी क्या दिया था पुड़िया में, सास तो माँ बन गई। हमने कहा पुड़िया खोल के देखो, उसने पुड़िया खोल के देखी, उसने कहा महाराज जी तो कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भभूति अभूति नहीं है। हमने कहा हम कोई भभूति थोड़ी देते हैं। अरे बोले सास माँ कैसे बन गई। हमने कहा मेरी बहन आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने सास की गालियां 5 दिन सहन कर ली तो 5 दिन में ही आपकी सास माँ बन गई। जब आप सहन करेंगे तो अपने आप सामने वाले को बदलने की ताकत रखेंगे। सामने वाला तब बदलेगा जब आप पहले अपने आप को बदलेंगे। अपने आप में बदलाव लाइए, आप में सहनशीलता होगी तो सामने वाला अपने आप बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा, आप जवाब देते हैं तो आग लगती है, मत दिया करो देने दो गालियां। कांटे से कहो तुम चुभना छोड़ दो, गुलाब से कहो तुम महकना छोड़ दो, तो क्या संभव है, नहीं ना। जैसे गुलाब ने आदत बना ली है कांटों के साथ रहने की, कहो मेरी माँ, इस गुलाब ने किसके साथ रहने की, किसके साथ रहता है, इसके आसपास 1000 कांटे होते हैं कि नहीं, हाँ या ना। कोई गुलाब तोड़ना चाहे तो कांटा चुभ जाता है कि नहीं। जैसे इस गुलाब ने कांटों के बीच में रहने की आदत बना ली है, उसी प्रकार आप अपने घर के वातावरण में रहने की अपनी आदत बना लो। जवाब देने से कोई फायदा नहीं, जैसे कांटों के बीच में रहकर भी गुलाब आपको खुशबू देता रहता है अपनी सुंदरता से अपनी ओर आपको। अरे गुलाब की ओर भले लोगों को पता है कि इस पेड़ पर कांटे हैं, पर गुलाब है इसलिए लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, नहीं कांटे ही कांटे हों तो जाएगा कौन। आप भी अपने घर परिवार में इस गुलाब की तरह बन के रहिए कि लाख आपका कोई अपमान करे, लाख गालियां दे, फिर भी आप अपना मुस्काना, अपना मुस्कुराना, अपना हंसना, अपनी प्रसन्नता। ये देखो कांटों के बीच में रहता है तो भी इसकी कली खिलती है कि नहीं। हाँ आप भी खिलो, हंसो, आनंद से रहो। और जैसे ये अपनी खुशबू देना कभी नहीं छोड़ता, ये मिटने के बाद भी हाथों को खुशबू देकर जाता है, आप भी अपने परिवार का व्यवहार सहकर भी आप अपने परिवार को केवल खुशबू दीजिए, केवल अच्छाई दीजिए, यही यही संस्कार है आपका। यदि कांटे में गुलाब ने रहना सीख लिया तो आप भी अपने घर पर रहना सीख लो। कब तक गाली गलौच भरा जीवन जियोगे,
कब तक अपमान सहोगे और करोगे? इसलिए आप कोई बात नहीं, सास गाली दे रही है, स्वभाव ऐसा कब तक देगी? एक महीने देगी ना, दो महीना चुप हो जाएगी। आप उत्तर मत दीजिए, यही समाधान है। पत्नी गाली देगी कब तक? चुप रहो। पति गाली देगा कब तक? चुप रहो। आपके मौन व्रत धारण करने से आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है।